का जो प्रदर्शन पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में हो रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है एलएक्सटी को लेके, उसमें बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देने की बात की जा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि जो सरकारी तंत्र से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, इतना करोड़ों पैसा लगाया गया, उसको इम्प्रूवमेंट के बाद प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए और सिर्फ लोगों को रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इसको उनको हैंडओवर किया जाए, ऐसा हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें सिर्फ मुलाजमों का नहीं, जो लोग हैं, अभी हमारी बिजली जो है कमोडिटी नहीं बन सकती, अभी बिजली जो है जरूरी चीज है, इट्स एसेंशियल कमोडिटी। आज की डेट में सारे देश में ये आवाज बुलंद की जा रही है कि बिजली के प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए, क्योंकि जहां भी ऐसे एडवेंचर किए गए, चाहे ओडिशा हो, चाहे दिल्ली हो, बंबई हो, आज की डेट में मैं वो पूछना चाहता हूं सरकारों से कि वहां 8 से 10% ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस के बावजूद 8 से 10 रुपए बिजली को बेचा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वहां लॉसेस कम है, फिर 8 से 10% क्यों बिजली को 8 से 10 रुपए क्यों बेचा जा रहा है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर जैसी इतनी बड़ी जो अर्स्टवाइल स्टेट थी, अब यूनियन टेरिटरी है, जिसका कि 1.21 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां पे 2.85 रुपए के हिसाब से बिजली को दिया जाता है। और अगर हम अपनी खरीद की बात करें तो 5 रुपए में बिजली बेच सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे, आज की डेट से भी अगर शुरू किया जाए। ऐसे में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने से पहले प्राइवेट इदारों को इसको ट्रांसफर करने की जो बात की जा रही है, उसका हमने सेंट्रल लेवल पे भी पूरा आज मजम्मत हो रही है, और पूरा हमारा जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पूरा स्ट्रांगली प्रदर्शन हो रहा है। और गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं, बेशक हमें सड़क पे आने का आज अधिकार नहीं है, लेकिन हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता, हम हर तरीके से अपनी आवाज जो है, जो सत्ता के गलियारे हैं, वहां तक पहुंचाएंगे। जिंदाबाद।